इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बेलखाड़ू पुलिस चौकी से 150 मीटर दूर पड़ाव बस्ती में मां बेटे के दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि हत्याकांड के पीछे गांजा तस्करी का विवाद है। पुलिस ने बताया कि हत्यारों ने 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उसके 62 वर्षीय बेटे को किसी धारदार हथियार से बेरहमी से कत्ल किया है। इसकी खबर मंगलवार सुबह 7:30 बजे गांव वालों ने दी। मौके पर FSL के साथ आला पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए मामला जांच में लिया है। पड़ाव गांव निवासी गोंदाबाई चौबे और उनका बेटा मुन्नालाल चौबे ही परिवार में थे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर RP भटनागर के निर्देश और महामंत्री अशोक शर्मा के मार्गदर्शन के अनुसार WCRMAS जबलपुर मंडल के मंडल सचिव DP अग्रवाल के नेतृत्व में जबलपुर की सभी शाखाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और महिला कर्मियों की उपस्थिति के साथ विशाल धरने का आयोजन किया गया। वहीं देर शाम कैंडल मार्च भी निकाला गया। धरने के मुख्य उद्देश्य रात्रिकालीन पेट्रोलिंग में एक ट्रैकमैन के स्थान पर 2 ट्रैकमैन लगाने की व्यवस्था पूर्व और 12 किलोमीटर वर्षों की भांति पुनः चालू किए जाएं और पेट्रोलमैन की बीट 16 किलोमीटर से कम की जाए। डेली ब्रीफिंग में कोरोना संबंधी अपडेट देते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना के संक्रमण से बचने, त्योहारों के दौरान ज्यादा सतर्कता बरतने का आग्रह शहर और जिले के नागरिकों से किया है। उन्होंने अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों की कोरोना के संभावित खतरे से सुरक्षा के लिए जिले में चलाए जा रहे वृद्धजन सुरक्षा अभियान की जानकारी भी दी और नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने का अनुरोध किया। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1942 से विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 41 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,107 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 32 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 12,380 है। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 94.45% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 1 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 212 है। जबलपुर के धनवंतरी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगातार हो रही चोरियों के कारण रहवासी परेशान हो रहे हैं। रहवासियों ने कॉलोनी में हो रही चोरियों की शिकायत थाने में की, लेकिन चोरों का पता नहीं चल सका। आखिरकार रहवासियों को कॉलोनी में CCTV कैमरे लगाने पड़े। कॉलोनी में जब चोरी हुई तो CCTV में चोर कैद हो गए। रहवासियों को CCTV कैमरे में यह भी पता चला कि कॉलोनी में बनी दीवार तोड़कर चोर अंदर आए थे। कॉलोनी वासियों ने थाने में चोरों की शिकायत की और टूटी दीवार को उन्होंने दोबारा बनवा दिया। दीवार बनने के बाद भी लोगों की समस्या का निवारण नहीं हो पाया और दीवार की दूसरी तरफ के लोग दीवार तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मैं यहाँ 2020 से रह रही हूँ। ये दीवार पूरी बंद थी यहाँ से। हाँ, 2000 से यहाँ पूरी दीवार पैक थी यहाँ की ये। और उसके बाद जब इन्होंने परिहार जी ने गाड़ी खरीदी है, तब उनकी लड़की ने यहाँ खड़े होकर दीवार तोड़वाई हो। मैं आके खुद मना की हूँ उनको कि ये दीवार आप ना तोड़वाएं, तो बोले कि यहाँ कोई किसी को आपत्ति नहीं, आपको भर आपत्ति है क्या? तो मैंने कहा भाई, आपत्ति जब बंद है तो आप क्यों खुलवा रहे हैं? भाई हम लोग तो सब नहीं आते ना। तो मानी नहीं, यहाँ कुर्सी डाल के माँ बेटी दोनों जनों ने तोड़ी है, तोड़वाई है लेबर लगवा के दीवार। और बहुत बार मना किया हमने उनको, लेकिन परिहार ये यहाँ पीछे रहते हैं जसूजा सिटी में, इस दीवार के उस तरफ रहते हैं ये लोग। तो भाई जसूजा से हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं, शुरू से ये दीवार है। हम लोग यहीं रहते हैं सामने, ये हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहते हैं। तो हमारा 213-14 हम लोगों का मकान है और हम सबसे पहले हम यहाँ आए हैं। जबलपुर स्थित ग्राम अमेरा अंडार कुंडम में पत्नी से मोबाइल फोन पर बात करने पर गुस्साए राजेंद्र मार्को ने रूपालाल बर्मन की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद चेहरे पर पत्थर पटक दिया ताकि मृतक की शिनाख्त ना हो पाए। पुलिस ने मामले में आरोपी राजेंद्र मार्को को हिरासत में ले लिया है। इस आशय की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा महानगर के द्वारा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के जन जागरण के लिए आगामी समय में आने वाले पर्व दीपावली के अवसर पर सभी व्यापारी बंधुओं और आमजनों को स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और उपयोग के लिए लाडगंज बड़ा फुहारा में जन जागरण अभियान चलाया गया। सभी माताओं बहनों से, सभी हमारे संस्कारधानी के लोगों के बीच में जाकर आज हम सभी ने जन जागरण किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार आह्वान किया है वोकल फॉर लोकल, ताकि हमारे देश में रहने वाले जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, कारीगर हैं, छोटे कलाकार हैं, उनके द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा हम लोग खरीदें, ताकि उनके घर में भी दीप उत्सव मन सके। अतिथि शिक्षकों ने वेतन नहीं होने के कारण आज जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें आवेदन दिया। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि दीपावली का त्यौहार सिर पर है और अब तक उनकी जेब खाली है, बिना पैसे के वे त्यौहार पर बच्चों को क्या जवाब देंगे, उनके वेतन का अविलंब भुगतान किया जाना चाहिए। आज मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हमने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है और हमारा घेराव का प्लान था, परंतु बजट आने के कारण हमने घेराव का कार्यक्रम कैंसिल करते हुए ज्ञापन दिया है और बजट आ गया है। 2 से 3 दिन में इन्होंने आश्वासन दिया हमारा पेमेंट हो जाएगा। यदि पेमेंट नहीं होता है तो दिवाली के एक दिन पूर्व पुनः हम इनके घर के सामने प्रदर्शन करेंगे समस्त अतिथि शिक्षक। अभी लगभग कितने माह से पेमेंट नहीं है? हमें फरवरी माह से पेमेंट नहीं मिला। फरवरी माह से बालकशाला बर्गी में, नरी नाला में और भी एक दो संकुल है जहाँ पेमेंट नहीं हुआ है, बड़वार में नहीं हुआ है। इस कारण सभी अतिथि परेशानी के इससे आज हमने ज्ञापन सौंपा है और बजट आ गया है, हमारा 2 से 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा। 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम और रुझान सामने आए, उनके शहर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता झूमने पर मजबूर हो गए। सांसद राकेश सिंह और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप और आतिशबाजी के बीच जीत का जश्न मनाया। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रूपता के साथ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अधिकतम सीट हम जीतेंगे। परिणाम जो सामने आ रहे हैं, लगभग 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे है। ये और भी आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में पहले के 15 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए थे, जनता के भीतर उनकी स्वीकार्यता थी और 15 महीनों में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से प्रदेश में कार्य कर रही थी, जिसके कारण से विकास के कार्य ठप हो गए थे, केवल और केवल तबादला उद्योग स्थापित हुआ था, भू माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, इनका शासन चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जनता के भीतर बहुत आक्रोश था और उसकी परिणति इस आशीर्वाद के रूप में हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज जिस प्रकार से उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, निश्चित रूप से जनता ने विकास को सराहा है और भ्रष्टाचार को नकारा है। जिस प्रकार से आपने देखा 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, लगातार इस बात को देखा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से काम की, भ्रष्टाचार की, तबादला उद्योग खोल के रखा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास का काम की है। निश्चित रूप से जब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विपक्ष की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई। आपने देखा होगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के पास विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी समय नहीं रहता था। आज निश्चित रूप से आज पूरी जनता हमारी खुश है, ये जनता की जीत है और जनता इसी प्रकार से यदि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती रहेगी तो पूरा मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश रहेगा जो सबसे अच्छा विकास और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को निपटाने में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका रहेगी। शहर के मकान दुकानों की अगले 7 दिनों तक जांच होगी। नगर निगम के सभी 16 जोन अधिकारी अपने अपने जोन के तहत आने वाले वार्डों में राजस्व निरीक्षक, जल विभाग के सब इंजीनियर के साथ सुबह 5 घंटे मकानों की नापजोक और शाम को 2 घंटे दुकान व्यापारी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की जांच करेंगे। निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह ने उक्त आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत जोन अधिकारी अब इंजीनियर, सहायक राजस्व अधिकारी के साथ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वार्डों में जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज भवनों की नापजोक के चेक करेंगे, साथ ही ई नगरपालिका में दर्ज की प्रविष्टियों का मिलान भी करेंगे। जबलपुर स्थित वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में लॉन्गेस्ट रैंप जंप करके कैप्टन दिशांत कटारिया ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह नया रिकॉर्ड 65 लोगों के ऊपर से बाइक को 60.4 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित लिंका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि डेयर डेविल्स की टीम ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह कीर्तिमान बनाया है।
टीम ने, मेरे सीनियर्स ने इतना मेहनत किया जिसमें हमने, मतलब कि मैं आज अभी बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, गिरा लेकिन गिर के ही आगे बढ़ते हैं। कितना समय लगा इस तैयारी में, चूंकि इसकी पहले आपकी टीम ने रिकॉर्ड बनाया था, कितनी तैयारी लगी, कब से चल रही थी मेहनत? इस बार हमें एक हफ्ता मिला है जिसमें पूरी जी जान से पूरी टीम ने पूरी मेहनत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए MS TV के साथ। नमस्कार।